टीम इंडिया के ऑलराउंडर रहे। मध्य प्रदेश के जेपी यादव का आज 43वां बर्थडे है। जेपी की टीम इंडिया तक पहुंचने की कहानी संघर्षपूर्ण रही है। भारत से डेब्यू करने से पहले उन्हें बॉडी में कैंसर ट्यूमर होने का पता चला। 21 साल की उम्र में ऐसी गंभीर बीमारी का पता चलते ही उन्हें बड़ा झटका लगा। जेपी अंदर से टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि टीम इंडिया से खेलने का सपना भी उन्हें पूरा करना था। भोपाल के जयप्रकाश तब रणजी क्रिकेटर थे। अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत वे डोमेस्टिक क्रिकेट के राइजिंग स्टार बन चुके थे, पर तभी इस बीमारी ने उन्हें और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। किस्मत से ट्यूमर का पता पहले चल जाने से उनका समय पर इलाज शुरू हो गया। जेपी ने कहा, बीमारी का पता चलने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गया था। फिर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी कैंसर से जूझ रहे थे। तब मैंने सोचा कि शायद यह भगवान की ही मर्जी है, इसलिए मुझे इससे लड़ना ही होगा। उन्होंने आगे बताया कि किस तरह लगातार कीमोथेरेपी की वजह से उनका एक झटके में 12 से 15 किलोग्राम वेट कम हो गया था। उनका शरीर आधा दिखने लगा था। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि तुम अब क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, पर जेपी ने हार नहीं मानी। उनके मन में क्रिकेट खेलने की चाह और बढ़ती जा रही थी।